शहर में जाम की समस्या मकड़जाल की तरह होती जा रही है। आए दिन जाम से लोग परेशान रहते हैं। शहर का कोई ना कोई हिस्सा हर दिन जाम की चपेट में रहता है। अब लोगों की जुबान में यह सवाल आने लगा है कि आखिर खडीमा शहर को जाम से कब निजात मिलेगी। आपको बता दें कि शहर की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं देखा जाए तो बाजारों में दुकानों के आगे दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। वहीं साथ ही ठेलों के लगने से भी सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थिति यह हो जाती है कि अगर एक तरफ से कोई बड़ी गाड़ी प्रवेश कर गई तो दूसरी तरफ से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं बात टनकपुर रोड की करें तो टनकपुर रोड के दुकानदारों ने फुटपाथ पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे पैदल चलने वालों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें ई रिक्शा चालकों की तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मनमानी के आगे किसी की नहीं चलती। अधिकतर मुख्य चौक पर बदहाल ढंग से ई रिक्शा चालक लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। सड़क किनारे ई रिक्शा चालक रिक्शा खड़ी कर जाम की समस्या को अंजाम देते हैं और भीड़ भाड़ में भी ई रिक्शा चालक जहां मन हो वहीं से घुमा लेते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है। समय समय पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। जब इसी मामले में खडीमा के नए उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका और पुलिस विभाग के द्वारा साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा और ठेले व टुकटुक चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर कब खडीमा वासियों को शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी या फिर उन्हें लंबे जाम में लगने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरे को भी पता चला है कि जो अननेसरी यहाँ पर कई दुकानदारों द्वारा सड़क में अतिक्रमण किया गया, तो जॉइंट हम एक्सरसाइज करेंगे नगर पालिका के साथ मिलकर और पुलिस विभाग के साथ मिलकर कि जितने दुकानदार द्वारा अपने जो एरिया डिफाइंड है उससे ज़्यादा अतिक्रमण किया उसको हम हटाएंगे और जरूरत पड़ेगी उन्हें जुर्माना भी इम्पोज करेंगे। इसी प्रकार जो टैक्सी वाले हैं या ठेले वाले हैं इनके द्वारा भी सड़क किनारे में इनको लगा दिया जा रहा है जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है, तो इसके बाद में हम एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे और उसमें हम जॉइंट एक्सरसाइज में हम इनको सब हटाने की कोशिश करेंगे। पहली बात में हम उनको हिदायत देंगे, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर अब जुर्माने की कार्रवाई होगी। जहाँ पर भी हमारे स्मूथ फंक्शनिंग में ट्रैफिक के उसमें जहाँ भी बात होगी हम उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए उसमें दो चीज़ें, अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होगी और लगातार जुर्माना होगा तो दुकानदार खुद उसमें नहीं रखेंगे। अगर एक बार करेंगे उसके बाद महीनों बाद आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो सोचते हैं कि एक बार कर दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार हम दोबारा लगा देंगे, तो ये नहीं, रेगुलर हम मॉनिटरिंग करेंगे इसके। लगातार अगर जुर्माना लगेगा तो लोग उसमें बाहर आ जाएंगे।